वेलकम टू जावा स्विंग ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम जावा स्विंग में ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ वो ग्राफिक्स एनिमेशन पर लाने वाला हूँ, जिसके लिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्राफिक्स क्लास के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक कंपोनेंट के पास एक मेथड होता है, जो कि है पेंट मेथड। इस पेंट मेथड में आपको एक ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है, और यही ग्राफिक्स क्लास वो क्लास है जो कि आपको ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग करने के लिए सभी यूज़फुल मेथड्स को प्रोवाइड करती है। ओके, और इस वीडियो में हम कुछ इस तरह की ग्राफिक्स ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारे पास ग्राफिक्स क्लास में कौन कौन से मेथड अवेलेबल होते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो मेथड है वो है ड्रॉ स्ट्रिंग, जिसमें हमें तीन पैरामीटर पास करने होते हैं, स्ट्रिंग, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ओके, और इस तरह की स्ट्रिंग आप इस मेथड से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो हैं वो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारी स्क्रीन होती है उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप अगर जाएंगे तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ज़ीरो होते हैं, और जैसे जैसे आप इसे मूव करोगे राइट की तरफ तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट इनक्रीज होता है, एंड बॉटम साइड की तरफ जाने पर ये वाई कोऑर्डिनेट इनक्रीज होता है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये कोऑर्डिनेट एरिया होता है। ओके, चलिए, सो ड्रॉ स्ट्रिंग से हम अपने सरफेस एरिया पे किसी भी स्ट्रिंग को ड्रॉ करते हैं। ओके, और दूसरा है सेट कलर, जिससे हम अपने ग्राफिक्स का जो कलर है उसे सेट करेंगे। ओके, तीसरा है सेट फॉन्ट। सेट फॉन्ट मेथड से हम अपनी स्ट्रिंग जो है उसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड चौथा है ड्रॉ लाइन। ड्रॉ लाइन से हम अपने सरफेस एरिया पे किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें चार पैरामीटर हमें पास करने होते हैं, जो कि x1 y1 x2 y2। एंड यहाँ x1 y1 पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, एंड x2 y2 लाइन के दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। ओके, इसी तरह से एक मेथड है ड्रॉ रेक्ट, जिसकी मदद से हम अपने सरफेस एरिया पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ हमें चार पैरामीटर पास करने होते हैं, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड विड्थ और हाइट। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ इस पॉइंट के टॉप लेफ्ट पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट देने होते हैं, और जो आपको आप विड्थ दोगे और हाइट दोगे उसके अनुसार ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा। ओके, इसी तरह से हमारे पास ड्रॉ ओवल होता है, जिसमें हमें सेम पैरामीटर पास करने होते हैं, यानी कि जो ड्रॉ ओवल है आपको उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर के पॉइंट आपको यहाँ कोऑर्डिनेट देने होंगे, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और जो आप विड्थ और हाइट दोगे उसके अकॉर्डिंग ये अपनी रेडियस कैलकुलेट करके एक सर्किल को ड्रॉ कर देगा। ओके, इसी तरह से हमारे पास एक ड्रॉ आर्क मेथड होता है। आर्क को ड्रॉ करने के लिए इसमें आपको छः पैरामीटर पास करने होते हैं, यानी कि इंट एक्स, वाई और विड्थ और हाइट, और एक स्टार्ट एंगल और एक आर्क एंगल, मतलब कहाँ किस एंगल से आपको ये आर्क स्टार्ट करना है और आर्क का क्या एंगल होना चाहिए। ओके, वो चीज़। ओके, एंड इसके अलावा आपको एक ड्रॉ पॉलीगॉन मेथड मिलता है, जिसकी मदद से आप पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ आपको तीन पैरामीटर पास करने होते हैं, एक्स पॉइंट्स, वाई पॉइंट्स एंड एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स। ओके, और यहाँ जो एक्स पॉइंट्स है वो एक्स कोऑर्डिनेट्स का एरे है, वाई पॉइंट्स जो है वाई कोऑर्डिनेट्स का एरे है, और एंड पॉइंट्स जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ मिस्टेक है, ये एरे है दरअसल, तो ये जो एक्स पॉइंट्स हैं ये एरे हैं, एक्स पॉइंट एरे और वाई पॉइंट एरे। ओके, इसी तरह से हमारे पास एक ड्रॉ पॉली लाइन होता है, जिसमें हम सेम टाइप के पैरामीटर पास करते हैं, और ये पॉलीगॉन ड्रॉ करने के बजाय ये पॉली लाइन ड्रॉ करता है। ओके, और जैसे हमारे पास ये ड्रॉ रेक्ट, ड्रॉ ओवल और ड्रॉ आर्क और ड्रॉ पॉलीगॉन मेथड हैं, ये मेथड जो होते हैं ये सिंपल शेप्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन आपको उन शेप को अगर फिल करना है तो इनके लिए और कुछ और मेथड होते हैं, जैसे कि फिल रेक्टेंगल को फिल करने के लिए एक फिल रेक्ट नाम का मेथड होता है, जो कि एक फिल्ड रेक्टेंगल ड्रॉ करता है। ओके, इस तरह से एक फिल ओवल मेथड होता है, फिल आर्क मेथड होता है, और फिल पॉलीगॉन मेथड होता है। और इन मेथड के अलावा एक मेथड होता है ड्रॉ इमेज, जिसमें आपको छह पैरामीटर पास करने होते हैं, जिसमें पहला है ए इमेज, जो कि आपको इमेज शो करनी है, और दूसरा है एक्स कोऑर्डिनेट, तीसरा वाई कोऑर्डिनेट, चौथा है विड्थ, और पांचवा है इमेज की हाइट, एंड छठा है इमेज ऑब्जर्वर टाइप का एक ऑब्जेक्ट। ओके, आप इसमें नल भी पास कर सकते हो अगर आप इमेज ऑब्जर्वर नहीं रखना चाहते हो।
और इसके अलावा एक क्लियर रेक्ट नाम का एक मेथड होता है जो कि हमारी सरफेस को क्लियर करने का काम करता है, और इसमें आपको चार पैटर्न पास करने होते हैं जो कि आपको रेक्टेंगल में पास करते हैं। ओके, तो चलिए ये तो थे हमारे ग्राफिक्स क्लास के मेथड्स जिनका हम यूज़ इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो अभी हम चलते हैं एक्लिप्स में और इन्हें एक प्रोग्राम के जरिए अच्छे से समझेंगे। ये सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक न्यू जावा प्रोजेक्ट ले लूँगा। प्रोजेक्ट का नेम दूंगा मैं ग्राफिक्स इन जावा स्विंग। ओके, ग्राफिक्स इन जावा स्विंग एंड फिनिश पर क्लिक करूँगा तो एक प्रोजेक्ट आ जाएगा। अभी मैं इसे एक्सपेंड करूँगा और सोर्स पैकेज पर राइट क्लिक करूँगा, न्यू क्लास लूँगा और क्लास का नेम मैं दूंगा एग्जाम्पल, पैकेज का नाम दे दूंगा मैं एग्जाम्पल कॉम डॉट एग्जाम्पल। ओके, एंड इसमें मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को रखना चाहूँगा तो मैं यहाँ इस पर चेक करूँगा और फिनिश पर क्लिक करूँगा तो एक इस तरह की कुछ क्लास बन के आ जाएगी। तो हम इसे एक्सटेंड कर देंगे एक्सटेंड्स विद जे फ्रेम, क्योंकि जो हम ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग करने वाले हैं वो हमारे फ्रेम पर ही शो होने वाली है। ओके, तो अभी इसमें एरर आ रही है तो हम इसे कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करेंगे और ये इसे इंपोर्ट कर लेंगे तो ये एरर भी गॉन हो जाएगी। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। सो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले मैं इस फ्रेम का साइज सेट करूँगा जिसमें मैं विड्थ दूंगा 800 एंड हाइट दूंगा 600। ओके, देन मैंने क्या किया है, एक सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन सेट कर दिया जिसमें एग्जिट ऑन क्लोज पास किया है और सेट लोकेशन रिलेटेड टू नल कर दिया। ओके, आई हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट हम अपने मेन मेथड में बना लेंगे। सो न्यू कीवर्ड की मदद से हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रेम बाय डिफॉल्ट हिडन होता है तो उसे सेट विजिबल मेथड में ट्रू पास करके आपको उसे विजिबल करना होगा। तो अगर अभी आप इसे रन करोगे तो आपको इस तरह का एक फ्रेम बनकर मिल जाएगा। ओके, तो ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के लिए हमें एक सरफेस भी चाहिए होगा तो चलिए हम सरफेस बनाएंगे। और सरफेस बनाने के लिए मैं यहाँ एक जे पैनल क्लास को एक्सटेंड करके एक क्लास बनाऊंगा तो उसके लिए मैं यहाँ कॉम डॉट एग्जाम्पल पैकेज पे राइट क्लिक करके यहाँ एक न्यू क्लास लूँगा जिसका नेम मैं दूंगा माई पैनल। ओके, एंड इसे एक्सटेंड करेंगे एक्सटेंड्स विद जे पैनल। ओके, एंड इस पैनल को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कर लिया मैंने पैनल को। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक कंपोनेंट के पास एक पेंट मेथड होता है तो हम पेंट मेथड का यूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि इसी मेथड में हमें ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल का नेम चेंज कर लूँगा जी करके। ओके, और इस मेथड में ही हम ग्राफिक्स की कोडिंग करेंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये क्लास तो हमारी बन गई, अभी मैं इस माई पैनल को के ऑब्जेक्ट को हम अपनी एग्जाम्पल क्लास में ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए हम माई पैनल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, माई पैनल पैनल इज इक्वल टू न्यू माई पैनल, एंड पैनल का जो बैकग्राउंड है उसे मैं चेंज करूँगा। सो कलर डॉट ब्लैक, एंड इसे हम ऐड कर देंगे फ्रेम में पैनल। ओके, तो अगर अभी आप इसे रन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का सरफेस बनकर मिल जाएगा। तो इसी पर हम अपनी ग्राफिक की प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। ओके, तो चलिए अभी हम चलते हैं माय पैनल में जहां हम ग्राफिक्स की कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें अपने सरफेस पे कोई स्ट्रिंग को शो कराना है तो वो कैसे कराएंगे। तो उसके लिए हमने एक मेथड पढ़ा था ड्रॉ स्ट्रिंग नाम से। ओके, सो ड्रॉ स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग में मैं एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराऊंगा। सो हेलो वर्ल्ड नाम की स्ट्रिंग प्रिंट कराऊंगा और यहाँ मैं एक्स कोऑर्डिनेट दूंगा 550 और वाई कोऑर्डिनेट दूंगा 50। ओके, और अगर मैं अभी इसे रन करूँगा तो आप देखेंगे कि एक हेलो वर्ल्ड यहाँ शो भी हो रही है। ओके, लेकिन आपको ये क्लियरली नहीं दिखेगा क्योंकि इसका जो कलर है वो ग्रे कलर का है और बैकग्राउंड जो है वो भी ब्लैक कलर का है तो ये अच्छे से शो नहीं हो रही। तो उसके लिए हमें इसका कलर चेंज करना होगा। तो कलर चेंज करने के लिए जैसे कि हमने पढ़ा था एक मेथड होता है सेट कलर। ओके, तो सेट कलर करते हैं तो जी डॉट सेट कलर, और इस सेट कलर जो करना है हमें स्ट्रिंग को शो कराने से पहले करेंगे क्योंकि तभी ये कलर इस स्ट्रिंग पर अप्लाई होगा। ओके, सो जी डॉट सेट कलर, और इसमें हम कलर पास कर देंगे कलर डॉट वाइट, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है इसलिए मैं वाइट ग्राफिक्स का कलर करने वाला हूँ। ओके, तो अगर अभी आप इसे रन करोगे तो जो स्ट्रिंग है वो वाइट कलर की आ जाएगी। ओके,
लेकिन अभी आप देखोगे कि ये काफ़ी स्मॉल साइज़ में आ रही है। इसका तो हमें फॉन्ट साइज़ चेंज करना पड़ेगा। तो फॉन्ट साइज़ चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मेथड होता है जी डॉट सेट फॉन्ट, जिसमें हमें न्यू फॉन्ट ऑब्जेक्ट पास करना होगा। और इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस फॉन्ट क्लास को इम्पोर्ट कर लूँगा जावा डॉट ई डब्ल्यू टी पैकेज से। ओके, और अभी हमें तीन पैरामीटर इसमें पास करने होंगे। पहला पैरामीटर है फॉन्ट फैमिली, फैमिली फॉन्ट फैमिली में मैं सन सेरिफ का यूज़ करूँगा। दूसरा है फॉन्ट स्टाइल, और फॉन्ट स्टाइल में मैं बोल्ड पास करूँगा। ओके, एंड तीसरा है फॉन्ट साइज़, फॉन्ट साइज़ में मैं 30 पिक्सल पास करूँगा। ओके, तो अगर आप इसे अभी रन करोगे तो आप देखोगे कि पहले से इसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। ओके, इस तरह से। चलिए, ये तो था कि कैसे हम अपने सरफेस पे स्ट्रिंग को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अगर हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें, हमारे पास एक मेथड है ड्रॉ लाइन। ओके, और इसमें हमें चार पैरामीटर पास करने होते हैं, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। ओके, तो एक्स वन में मैं दूंगा x1 में 100, y1 में भी 100, एंड x2 में 200 एंड y2 में 150। ओके, एंड अगर आप अभी इसे रन करोगे तो इस तरह की एक लाइन बन के आ जाएगी। ओके, चलिए अभी हम लाइन भी हमने ड्रॉ कर ली। अभी हम देखते हैं कि कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए उसके लिए हम देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जी डॉट ड्रॉ रेक्ट। ओके, तो इसमें भी हमें चार पैरामीटर पास करने होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, विड्थ और हाइट। तो एक्स कोऑर्डिनेट में मैं 100 दूंगा, वाई कोऑर्डिनेट में 200 दूंगा, और विड्थ में मैं दूंगा 100 एंड हाइट में दूंगा 50। ओके, तो अगर आप इसे अभी रन करोगे तो आपके पास इस तरह का एक रेक्टेंगल बनकर आ जाएगा। ओके, लेकिन अभी आप इसे देख सकते हैं, ये एक एम्प्टी रेक्टेंगल बना है। ओके, लेकिन आपको अगर इसे फिल करना है, आपको एक फिल्ड रेक्टेंगल बनाना है, तो उसे आप कर सकते हो। उसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, आप इसे कमेंट आउट कर सकते हैं, और उसके लिए आपके पास एक मेथड होता है। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ फिल रेक्ट लिखना है। ओके, तो ये मेथड अगर आप चलाओगे तो आप पाओगे एक फिल रेक्टेंगल। ओके, तो आपका जो रेक्टेंगल है वो एक उसमें कलर फिल होके आएगा। ओके, चलिए अभी हम देखते हैं कि अगर हमको कोई सर्किल ड्रॉ करना है तो वो कैसे करेंगे। तो सर्किल ड्रॉ करने के लिए हमने एक मेथड पढ़ा था जी डॉट ड्रॉ ओवल नाम से। ओके, और इसमें भी हमें सेम पैरामीटर पास करने होंगे, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड विड्थ और हाइट। तो एक्स कोऑर्डिनेट में मैं दूंगा 300, वाई कोऑर्डिनेट में मैं दूंगा 200 एंड विड्थ दूंगा 100 एंड हाइट दूंगा 100। ओके, तो इस तरह से अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखोगे कि एक सर्किल भी बन के आ जाएगा। ओके, और क्योंकि हमने जो जैसे जैसे इसकी विड्थ और हाइट दी है, क्योंकि मैंने हाइट भी 100 दी और विड्थ भी 100 दिए, तो एक सर्किल बन गया। लेकिन अगर आप हाइट अलग दोगे और विड्थ अलग दोगे तो ये एक ओवल बन जाएगा। ओके, एलिप्स बन जाएगा। तो ये हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग अपनी रेडियस को कैलकुलेट करके एक सर्किल बना देता है। तो ये एक एम्प्टी सर्किल है। अगर आपको फिल करना है इसे, तो जैसा मैंने रेक्टेंगल के साथ किया, आप यहाँ ओवल के साथ भी कर सकते हो। तो मैं इसे अगर कमेंट आउट कर दूं और यहाँ फिल रेक्टेंगल लिखूं, फिल ओवल लिखूं मतलब, और अगर आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे कि एक फिल्ड सर्किल आ गया। ओके, चलिए, तो ये तो था सर्किल। अगर आपको कोई आर्क ड्रॉ करनी है तो उसके लिए भी एक मेथड दिया हुआ था। तो उसके लिए हम लिखेंगे जी डॉट ड्रॉ आर्क। ओके, एंड इसमें हमें 6 पैरामीटर पास करने होंगे। तो सबसे पहले पैरामीटर तो मैं इन्हें ही पास कर लूँगा। ओके, चार पैरामीटर तो यही होते हैं, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, विड्थ और हाइट। तो अभी मैं यहाँ 400 पास करूँगा एक्स कोऑर्डिनेट में। ओके, और इन चारों के अलावा दो पैरामीटर एक्स्ट्रा होते हैं। तो पहला पैरामीटर होता है स्टार्टिंग एंगल, जिसमें मैं 0 दूंगा, और आर्क एंगल यानी कि मैं इसे 90 दूंगा। ओके, तो अगर आप इसे अभी रन करोगे तो आपको एक आर्क बन के मिल जाएगा तैयार। ओके, तो ये एक तरह का आप कह सकते हो एक रेक्ट सर्किल ही है। लेकिन इसमें क्या है कि जो मैंने स्टार्टिंग एंगल दिया है वो 0 दिया है, तो ये 0 से स्टार्ट होके, जो आर्क का एंगल है 90 दिया था, तो 0 से स्टार्ट होके ये 90 तक गया है। अगर मैं 360 एंगल देता तो ये पूरा रोटेट होकर एक पूरा सर्किल बना देता। ओके, तो अभी ये आर्क बना रहा है। ओके, चलिए, तो अगर आपको ये तो था एम्प्टी आर्क, अगर आपको इसको फिल करना है तो उसके लिए इसमें भी एक मेथड होता है। इसे मैं कमेंट आउट करके,
यहाँ लिखता हूँ फिल आर्क, ओके। तो अगर आप इसे ऐसा करोगे तो आपके पास एक फिल आर्क आ जाएगा, ओके, इस तरह का। ये क्वार्टर आप देख सकते हो। तो चलिए आप देखते हैं कि अगर हमें अपने सरफेस पे कोई पॉलीगन ड्रॉ करना है, कोई ट्रायंगल ड्रॉ करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जी डॉट ड्रॉ पॉलीगन, जैसे कि हमने पढ़ा था जी डॉट ड्रॉ पॉलीगन। और इसमें आपको तीन पैरामीटर पास करने होते हैं, एक्स पॉइंट्स, वाई पॉइंट्स एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स, ओके। तो सबसे पहले मैं इन तीनों पैरामीटर्स को बना लेता हूँ। तो एक्स एरे में मैंने दिया है 100, 200 एंड 300, वाई एरे में दिया है मैंने 400, 300 एंड 400 एंड एन जो पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो 3, क्योंकि हम ट्राइंगल बनाने वाले हैं, ओके। अभी हम इन पैरामीटर्स को, हम इन वेरिएबल्स को इसमें पास कर देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स में एन, ओके। तो अभी आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे कि एक पॉलीगन बन के आ जाएगा, ओके, इस तरह से। और अगर आप इसे फिल करना चाहो तो इसके लिए भी हमारे पास एक मेथड होता है फिल करके, ओके। सो जी डॉट फिल पॉलीगन, ओके। अगर आप इसे अभी रन करोगे तो ये फिल हो के आ जाएगा इस तरह से, ओके। तो ये तो था कि आप अपने सरफेस पे एक पॉलीगन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक मेथड और है जिसकी मदद से आप अपने सरफेस पे पॉली लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो वो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे जी डॉट ड्रॉ पॉली लाइन, ओके। और इसमें भी आपको तीन पैरामीटर पास करने होते हैं। तो सेम मैं इसी तरह से एक कुछ एरे बना लेता हूँ, ओके। तो एक्स पॉइंट्स का एरे बना लिया, वाई पॉइंट्स का एरे बना लिया, नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे 3 होंगे, ओके। तो चलिए अभी इन्हें पास करते हैं। तो पहले पैरामीटर में एक्स पॉइंट्स, दूसरे पैरामीटर में वाई पॉइंट्स, ओके, एंड तीसरे पैरामीटर में मैं पास करूँगा एन पॉइंट्स, ओके। चलिए अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखेंगे कि एक पॉली लाइन ड्रा हो जाएगी। तो पॉलीगन और पॉली लाइन में डिफरेंस केवल इतना है कि पॉलीगन में जो है वो लास्ट पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट से मैं कनेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन पॉली लाइन में लास्ट पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट नहीं किया जाता, ओके। चलिए तो ये तो था कि कैसे हम अपनी शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस ग्राफिक्स एरिया में कोई इमेज को ड्रॉ करना है वो कैसे करेंगे, चलिए उसे भी हम देख लेते हैं। तो और इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जी डॉट ड्रॉ इमेज नाम का, ओके। इसमें आपको 6 पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला पैरामीटर होता है इमेज, दूसरा होता है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड विड्थ हाइट और इमेज ऑब्जर्वर का एक ऑब्जेक्ट, ओके, जिसमें आप नल पास कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमें एक इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो डेस्कटॉप पे जाऊंगा जहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, और इस इमेज पर मैं शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करूँगा और कॉपी एज पाथ कर लूँगा, ओके, जिससे हमारा पाथ कॉपी हो जाएगा इस इमेज का। और यहाँ मैं स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल लूँगा, स्ट्रिंग URL, और यहाँ पाथ को पेस्ट कर लूँगा, ओके। और इस पाथ में एरर आएगी क्योंकि हमने यहाँ बैक स्लैश का यूज़ किया है, तो हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। एस्केप करने के लिए हम एक बैक स्लैश और लगा देंगे इसमें सब में, ओके, जहाँ जहाँ एस्केप का यूज़ है, ओके। तो इस तरह से एरर गॉन हो गई। चलिए अभी हम इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे इमेज इक्वल टू न्यू इमेज आइकॉन एंड इसमें हम URL पास करेंगे एंड गेट इमेज मेथड का यूज़ करेंगे, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, इस इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट एम से java.awt पैकेज से, और इसी तरह से इमेज आइकन को भी इंपोर्ट कर लेंगे। चलिए इंपोर्ट हो गई है तो हमारे पास इमेज आ गई है। तो अभी मैं इमेज को पहले पास करूँगा। सो ड्रॉ इमेज इक्वल टू एक्स, सो ड्रॉ इमेज में इमेज पास की, देन हमने एक्स कोऑर्डिनेट पास किया 300, वाई कोऑर्डिनेट पास करूँगा मैं 50 एंड विड्थ जो होगी वो हमारी 200 होगी एंड हाइट होगी 100 एंड इमेज ऑब्जर्व पे मैं नल पास करूँगा, ओके। तो अभी ही अगर आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे कि एक इमेज हमारी यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी, ओके। चलिए ये तो था कि अब अगर आपको अपने सरफेस पे कोई ग्राफिक्स ड्रॉ करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो ये हमारी ग्राफिक्स ड्राइंग के बारे में मेथड्स थे। लेकिन आपको एक मेथड और दिया जाता है ग्राफिक्स क्लास में, जो आपको
इस सरफेस को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। ओके, तो चलिए उसे हम देख लेते हैं। तो वो मेथड है जी डॉट क्लियर रेक्ट, जैसे कि हमने पढ़ा था। ओके, तो अभी हम जी डॉट क्लियर रेक्ट में चार पैरामीटर पास करने होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड विड्थ एंड हाइट। ओके, जैसे कि हम रेक्टेंगल में करते हैं। तो यहाँ मैं 0 पास करूँगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड विड्थ में 500 एंड हाइट में भी मैं 500 पास करूँगा। ओके, तो अगर आप अभी इसे रन करोगे तो आप देखोगे कि 500 हाइट और 500 विड्थ का एक रेक्टेंगल क्लियर हो गया है। ओके, इस तरह से तो इसने पूरे सरफेस को क्लियर कर दिया, बैकग्राउंड सहित। ओके, बैकग्राउंड भी क्लियर कर दिया है। तो लेकिन अगर आप इसे पूरी विड्थ और पूरी हाइट दोगे, मतलब आप यहाँ 800 दोगे और हाइट दोगे 600, जो कि हमारी फ्रेम का विड्थ और हाइट है, तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अभी के लिए हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं और वापस से रन करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो उनके भी काम का होने वाला है। और चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन उसे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं जावा स्विंग से रिलेटेड इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ, उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आपसे कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो पाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।